Everybody, welcome here from Language Academy, guys. Welcome back to another video. This video, we are going to look at reading reorder paragraphs. I've got a video on this topic before as well that is in English. This video is going to be in Hindi. If you don't speak or understand Hindi, the link to that video is in the description box. ये वीडियो होने वाली है हिंदी में. पीटी रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ एक ऐसा टास्क है बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है. जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जो मर्जी कर लो, सही नहीं होते हैं रीऑर्डर. इस वीडियो में सारे के सारे ट्रिक्स, सभी स्ट्रैटेजीज, सभी रूल्स आपको बताने वाला हूँ. रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नोटबुक पे सारी चीजें लिख लेना ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, टाइम वेस्ट ना हो और आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी इंक्रीज हो. स्टार्ट करेंगे कि रीऑर्डर पैराग्राफ होता क्या है, मार्किंग कैसे होती है, कौन से रूल्स हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज है और आपने अपना स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करना है. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. आई विल शेयर माय स्क्रीन, विल गो ऑन एंड आई रिक्वेस्ट कि आप जितने भी नोट्स ले सकते हो लो. एट द एंड विल डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स. लेट्स गेट इन टू द वीडियो. लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू गाइस. पीटी रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ टास्क डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मार्किंग क्राइटेरिया देखेंगे, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज और फिर हम दो से तीन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. आपको नंबर मिलते हैं करेक्ट पेयर के. यू गेट वन पॉइंट फॉर ईच करेक्ट पेयर. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है बी डी ए ई सी. इस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दिया गया और आपका करेक्ट आंसर है ए बी सी डी ई. तो आपको एक पेयर के एक नंबर मिलेंगे. ए बी का एक नंबर मिलेगा आपको, बी सी का एक और नंबर मिलेगा, सी डी का एक और नंबर मिलेगा और डी ई का एक और नंबर मिलेगा आपको. मैक्सिमम पॉइंट आपको चार मिलेंगे यहाँ से. अब लेट्स से कि आपने आंसर किया सी ए डी बी ई. सी ए भी कोई पेयर नहीं है, ए डी भी कोई पेयर नहीं है, डी बी भी कोई पेयर नहीं है, बी ई भी कोई पेयर नहीं, कोई नंबर नहीं मिलेगा. अगर आंसर है आपका ए बी डी सी, ए बी एक पेयर है लेकिन बी डी कोई पेयर नहीं है, डी सी कोई पेयर नहीं, सी डी पेयर है लेकिन डी सी पेयर नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं मिलेगा और सी ई का भी नहीं मिलेगा, एक नंबर मिलेगा. अगर ये आंसर है ए बी एक पेयर है, बी ई पेयर नहीं है, ई सी पेयर नहीं है लेकिन सी डी पेयर है, अगर आप यहाँ देखें सी डी भी एक पेयर है तो इसका भी नंबर मिलेगा. ये मैटर नहीं करता कि पेयर सही जगह पे है या नहीं, वो पेयर होना चाहिए. आंसर अगर आपका ए बी सी डी ई तो आपका एक पेयर ए बी, एक पेयर बी सी, एक पेयर सी डी, एक पेयर डी ई, चार नंबर मिलेंगे. तो मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होते हैं एक रीऑर्डर पैराग्राफ में, वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सेंटेंस. अगर छह सेंटेंस है तो मैक्सिमम पांच नंबर या पांच पेयर बन सकते हैं उसमें. मिनिमम स्कोर जीरो है, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सिर्फ रीडिंग में इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है और कहीं नहीं है. कितना टाइम लगाना है एक रीऑर्डर पैराग्राफ में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दो मिनट लगाएं, मैक्सिमम ढाई मिनट, उससे ज्यादा मत लगाएं. ढाई मिनट से ज्यादा अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. दो स्ट्रैटेजीज हैं, दोनों स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे. पहले स्ट्रैटेजी नंबर वन जो कि एक एथिकल स्ट्रैटेजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है. आपका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड करना, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस भी बोलते हैं. आपको टॉपिक सेंटेंस फाइंड करना है. टॉपिक सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो आपका पैराग्राफ है उसका फर्स्ट सेंटेंस है. अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस का पता कैसे लगता है, ये वो सेंटेंस होता है जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है. कैन स्टैंड आउट बाई इट सेल्फ, मतलब कि अपने आप से पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे करवा सकता है ये. एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सेंटेंस फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी और सेंटेंस पे निर्भर या डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ही इज अ गुड बॉय, अब मुझे नहीं पता ही कौन है, ही ढूंढने के लिए मुझे किसी और सेंटेंस में उस बंदे का नाम ढूंढना पड़ेगा, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है. अगर मैं बोलूँ वरुण इज अ गुड बॉय या वरुण इज अ बैड बॉय, जो भी आपने माना, तो वो एक कंप्लीट या इंडिपेंडेंट सेंटेंस है क्योंकि वो किसी भी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है. वो आपको पूरी वो इंट्रोड्यूस वरुण को इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, अपने आप से उसका कोई मतलब भी अपने आप में, और वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है इंफॉर्मेशन के लिए. वरुण इज अ गुड बॉय, मुझे पूरा पता लग रहा है किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है. लेकिन अगर मैं बोलता ही इज अ गुड बॉय तो मुझे पूरा नहीं पता ही कौन है, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस ना होता, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस ना होता, वो टॉपिक सेंटेंस नहीं होता. हाउ टू आइडेंटिफाई एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ये सेंटेंस हमेशा आपको एक जर्नल आइडिया देगा, क्योंकि अगर आप एक पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं आप शुरू में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दे दोगे. आप पहले किसी चीज को इंट्रोड्यूस करोगे फिर बाद में उसकी डिटेल्स दोगे, ध्यान रखना, और विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक. ज्यादातर इट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन नेम, किसी इंसान का नाम, स्पेशली प्रॉपर नाउन.
ज्यादातर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ध्यान रखना। कोई टेक्निकल टर्म हो सकती है, कोई बुक टाइटल हो सकता है, रिसर्च नेम हो सकती है, प्लेस सिचुएशन या कंसेप्ट हो सकता है। ये उसको इंट्रोड्यूस करेगा, जैसे कोई बुक है, बुक के पहले इंट्रोड्यूस करेगा, फिर बताएगा बुक में कितने चैप्टर हैं, फिर बताएगा बुक के थर्ड चैप्टर के फोर्थ पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है। सो एक जनरल इन्फॉर्मेशन से शुरू होकर फिर ऑन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता रहेगा। जैसे मैंने बताया, किसी भी सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा इन्फॉर्मेशन के लिए। 99% ये सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा, जैसे ही शी देम दोस्त दे इट फॉर एग्जाम्पल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे नहीं पता इट क्या है। ही रोट अ बुक ऑन इंडिया, मुझे नहीं पता ही कौन है, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक सेंटेंस ऐसे है, इन हिज बुक वरुण रोट अबाउट इंडिया, अब शुरू तो हिज के साथ हो रहा है वो, लेकिन इसी सेंटेंस में मुझे उस बंदे का नाम भी पता लग गया, इन हिज बुक वरुण, मतलब कि अपनी बुक में वरुण ने इंडिया के बारे में लिखा, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो सिर्फ ही शी देख के इग्नोर मत करना, उसके आगे पीछे देख लेना उसी सेंटेंस में नाम है या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे वर्ड्स जैसे कि कनेक्टर्स या ट्रांजिशन वर्ड्स के साथ या कॉन्ट्रोडिक्टिंग वर्ड्स के साथ शुरू नहीं होगा, फर्स्टली सेकेंडली हाउएवर देयरफॉर, क्योंकि फर्स्टली लिखने के लिए या सेकेंडली लिखने के लिए या हाउएवर लिखने के लिए, हाउएवर क्या है, किसी को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, तो इससे पहले मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाउएवर से मैं अपने अपनी इन्फॉर्मेशन या पैसेज स्टार्ट नहीं कर सकता, बट से स्टार्ट नहीं कर सकता, एडिशनली से स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। एक्रोनम रूल क्या है? एक्रोनम रूल ये है कि अगर आपके पास दो सेंटेंसेज हैं, एक सेंटेंस में बंदे का फुल नेम है और एक में शॉर्ट नेम है, या इसमें फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है, इसमें सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो जिसमें फुल नेम है वो पहले आएगा और ये बाद में आएगा। इफ देयर इज एन एक्रोनम और शॉर्ट फॉर्म अलॉन्ग विद द कंप्लीट टर्म, सेंटेंस विद द कंप्लीट टर्म विल ऑलवेज कम बिफोर द सेंटेंस कंटेनिंग द एक्रोनम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस है यूनाइटेड नेशंस और एक है यूएन, तो ये बिफोर आएगा और ये आफ्टर आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये इमिडिएटली आफ्टर आएगा, हो सकता है ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है ये थर्ड हो, ये फोर्थ हो या सेकंड हो, लेकिन ये हमेशा पहले आएगा और ये बाद में आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा आएगा, ये फर्स्ट आएगा, हो सकता है ये सेकंड हो सकता है ये थर्ड भी हो सकता है ये फोर्थ भी हो, लेकिन ये वाला पहले आएगा। सिमिलरली डॉक्टर माइकल क्लार्क और डॉक्टर क्लार्क, माइकल क्लार्क पहले आएगा, क्लार्क बाद में आएगा। अगर ये सारे रूल्स यूज करके भी आपको फर्स्ट सेंटेंस नहीं पता लग रहा, ये सारे रूल्स पता करके ढूंढ के यू अप्लाई करके नहीं पता लग रहा, एक गोल्डन रूल देता हूँ जो मैं यूज करता हूँ इंडिपेंडेंट सेंटेंस यूज करने के लिए। इंडिपेंडेंट सेंटेंस को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, हर एक सेंटेंस को देखो, और अगर आप वो सेंटेंस एक स्ट्रेंजर से बात करने के लिए यूज कर सकते हो तो वो फर्स्ट सेंटेंस होगा, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। अगर आप वो सेंटेंस किसी भी अजनबी या आप जिस बंदे को जानते नहीं हो उससे बातचीत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रेंजर को कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, और अगर बैकग्राउंड नॉलेज के बिना वो सेंटेंस कंप्लीट इंफॉर्मेशन कन्वे करवा रहा है तो वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ध्यान रखना इस चीज का। थोड़े से और रूल्स बता रहा हूँ जो आपको यूज करने हैं, यूज में आएंगे। आर्टिकल रूल्स बहुत इजी रूल है, हम सबको सबकॉन्शियसली पता है बट प्रैक्टिकली नहीं पता। दो तरह के आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में या लैंग्वेज में, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स और एक डेफिनेट आर्टिकल्स, या पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज होते हैं। ए या एन इनडेफिनेट, डेफिनेट दो, मतलब क्या, जर्नल चीजों के बारे में या जर्नल चीजों के लिए, या वो चीजें जिनकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए ए या एन यूज होता है, जिन चीजों की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है उनके लिए द यूज होता है। अगर आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस सेम नाउन के साथ ए यूज कर रहा है और दूसरा द यूज कर रहा है, तो 110% जो सेंटेंस नाउन के साथ ए या एन यूज कर रहा है वो द वाले से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ए या एन यूज कर सकते करते हैं, नॉट कर सकते हैं, करते हैं, और उस चीज को दोबारा मेंशन करने के लिए हम द यूज करते हैं, लेकिन वो सेम नाउन के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे बेसबॉल बैट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार की बात कर रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू आई बॉट अ कार, द कार इज गुड,
तो आई बॉट अ कार मतलब कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, द कार इज गुड मतलब जो गाड़ी मैंने खरीदी वो अच्छी है, एरन बॉट अ बेसबॉल बैट, द बेसबॉल बैट इज ग्रीन इन कलर। यहाँ पे क्या है, जर्नल कोई बेसबॉल बैट खरीदा और यहाँ द बेसबॉल बैट कौन सा है, ये वाला जो इसने खरीदा। तो अगर दो सेंटेंस है, एक में ए या एन यूज हो रहा है, एक में द, ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। हो सकता है ये फर्स्ट है तो ये सेकंड हो, ये थर्ड हो, ये फोर्थ हो, लेकिन ए या एन वाला हमेशा इस वाले सेंटेंस से पहले ही आएगा। टाइम पीरियड्स एंड डेट्स, टाइम पीरियड्स एंड डेट्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। ये नहीं कि अगर यहाँ पे 1980 दिया है, फिर 2000 दिया, फिर 2020 दिया, तो जरूरी नहीं है कि 1980 वाला फर्स्ट आएगा, 2000 बाद में आएगा, 2020 उसके बाद आएगा। हो सकता है वो प्रेजेंट टू पास्ट बात कर रहे हैं, हो सकता है वो पास्ट टू प्रेजेंट बात कर रहे हैं, हो सकता है वो फ्यूचर से पास्ट में जा रहे हैं, हो सकता है वो पास्ट से फ्यूचर में जा रहे हो। आपको टाइम पीरियड्स और डेट को देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, लेकिन उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको देखना है कि यस कि वो फर्स्ट सेंटेंस जो यूज कर रहे हैं, जैसे 1980 वाला सेंटेंस यूज कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टू पास्ट के लिए कर रहे हैं या पास्ट टू प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनसे आइडिया लो, लेकिन उसको ब्लाइंडली रिलाय मत करो। ये मत देखो 1980 पहले, 2000 बाद में, 2020 बाद में, इतना इजी नहीं है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए टाइम पीरियड्स देंगे, तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना। एग्जाम्पल्स, किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पल है वो हमेशा एक्सप्लेनेशन के बाद आएगा, ध्यान रखना। तो पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, फिर एग्जाम्पल आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये सारी चीजें यूज करके आपके 100% इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड हो जाएगा। अब ये पांच सेंटेंस है हमारे पास, देखते हैं इनमें से इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है कौन सा नहीं है। दे वुड वॉक अ वाइल एंड देन स्टॉप टू लुक अराउंड वेयर टू सी वेयर शी वॉज। दे कौन है हमें नहीं पता, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। एक और हिंट देता हूँ, यहाँ पे दे तो इसके पिछले सेंटेंस में कोई प्लूरल चीज आएगी, क्योंकि सिंगुलर चीज के लिए तो दे नहीं यूज होगा, प्लूरल के लिए होगा। समटाइम्स कभी कभार, कभी कभार से हम अपना पैसेज शुरू नहीं कर सकते। वाइल वॉचिंग एलिफेंट्स इन द समरू नेशनल रिजर्व इन नॉर्दर्न कीनिया, ये देख लो प्रॉपर नाउन, किसी चीज का नाम इंट्रोड्यूस हो रहा है। इन नॉर्दर्न कीनिया आई नोटिस्ड वन दैट वॉक वेरी स्लोली। अब आई है, आई का क्या मतलब है यहाँ पे, ऑथर, ये हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस हो, क्योंकि चीज भी इंट्रोड्यूस हो रही है और कंप्लीट सेंटेंस भी है। डिपेंडिंग ऑन हाउ शी वॉज डूइंग, शी कौन है हमें नहीं पता, ये नहीं हो सकता। एलिफेंट एक्सपर्ट लायन डगलस हैमिल्टन टोल्ड मी दैट दिस फीमेल एलिफेंट बेबिल हैड बीन क्रिपल्ड फॉर इयर्स बट अदर मेंबर्स ऑफ द हर्ड नेवर लेफ्ट हर। अब यहाँ पे क्या है, दिस फीमेल एलिफेंट, अब आप में से कई लोग कहेंगे दिस फीमेल एलिफेंट बेबिल है, चलो मान सकते हैं, ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, ये भी। अब हमने इन दोनों में से फिगर आउट करना है कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे ऑथर ने नोटिस किया कि एक एलिफेंट बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और यहाँ पे उसको पता लग रहा है कि ये जो एलिफेंट है ये बहुत सालों से धीरे धीरे चल रहा है। तो पहले वो नोटिस करेगा, फिर उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दिस विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, दिस विल बी द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, रिमेंबर दिस थिंग। सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। अब स्ट्रेटजी वन का स्टेप टू क्या, अब हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो फाइंड कर लिया, अब उसके बाद हमने फॉलोइंग सेंटेंसेस फाइंड करना है। इंग्लिश में एक रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूल, क्या रूल होता है, सेंटेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटेंसेस होते हैं, जो इंग्लिश में सेंटेंस होता है वो ऐसे फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पहले लेट्स से कोई पर्सन आता है, यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहा है वो आ रहा है ऑब्जेक्ट, और जिस पे एक्टिविटी की जा रही है, जैसे वरुण इज प्लेइंग क्रिकेट या वरुण इज यूजिंग हिज बेसबॉल बैट। सब्जेक्ट क्या, पर्सन प्लेस आइडिया दैट इज डूइंग समथिंग, द वुमेन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल, तो वुमेन क्या है सब्जेक्ट, वर्ब क्या है जो एक्शन हो रहा है बिल्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे एक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल। रूल है द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस विल बिकम द सब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस, ही जो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा जो अगला सेंटेंस होगा इसे। ये एक रूल है इंग्लिश का, यस ऑब्वियसली ये पीटी में भी अप्लाई होगा, बट ये सीधा सीधा इतना भी ऐसा नहीं है कि हाँ भी नेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग वॉल आ जाएगी फिर अगले में आखिरी वर्ड होगा, इतना इजी नहीं होगा। इसको मोर प्रैक्टिकल टर्म्स में बोला जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो प्रीवियस सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेट्स से आपने फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया, अब आपके पास तीन सेंटेंस है, इन तीनों सेंटेंसेस में जो सेंटेंस पिछले सेंटेंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा वो इसके बाद वाला सेंटेंस होगा।
सो द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस, पीटी में कैसे अप्लाई होगा? द नेक्स्ट सेंटेंस विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस सेंटेंस. रिमेंबर दिस थिंग. जैसे कि मैंने बताया, द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट इन सेकेंड. इन शॉर्ट, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट रूल स्टेट्स, द नेक्स्ट सेंटेंस विल ऑलवेज गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस सेंटेंस. लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस, यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू सेंटेंसेस कि ये सेंटेंस इसके बाद आएगा या ये. जो भी सेंटेंस इन दोनों में से इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा वो इसके बाद आएगा, ध्यान रखना इसको. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये हमारे पास सेंटेंसेज हैं. ये सेंटेंस हमने देखा था, द वुमेन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल. नेक्स्ट सेंटेंस समथिंग विद स्ट्रॉन्ग वॉल के बारे में होगा. इट, अब यहाँ पे अ स्ट्रॉन्ग वॉल है मतलब सिंगुलर है. इट किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर चीजों के लिए. इट वॉज बिल्ट अयर अगो विद द हेल्प ऑफ थ्री वर्कर्स. थ्री वर्कर्स है. अगले सेंटेंस में प्रॉब्ली प्लूरल वाला प्रोनाउन यूज होगा, ऑल ऑफ देम, देम. अब यहाँ पे देम तो इसके लिए, वॉल के लिए नहीं आ सकता है. देम ज्यादा लोगों के लिए आएगा, तीन वर्कर्स के लिए. हैड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. हैड मतलब उस टाइम पे उनको सालों का एक्सपीरियंस था. दे आर स्टिल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, दे आर स्टिल वर्किंग टुगेदर ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट. स्टिल उस टाइम इनको सालों का एक्सपीरियंस था और अभी भी वो इकट्ठे एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना. रीऑर्डर मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाना है. फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करो, नेक्स्ट सेंटेंस विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस वन. आर्टिकल रूल यूज करो, एक्रोनम रूल यूज करो, टाइम पीरियड्स देखो, एग्जांपल्स देखो. 120% इससे ज्यादा रूल्स नहीं बता सकता हूँ, बहुत रिसर्च करके सारे रूल्स बता रहा हूँ. और अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे 100% इंप्रूवमेंट आएगी. ये मत समझना कि एक दिन में इंप्रूवमेंट आएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी. स्ट्रैटेजी टू, अब प्रैक्टिकल बोलता हूँ, प्रैक्टिकली बोलता हूँ ना. बहुत बार ऐसा होता है कि रीऑर्डर्स की सेंस ही नहीं बनती है, रीऑर्डर समझ ही नहीं आते हैं. या फिर ऐसा भी होता है कि हाँ भी ऐसी ऐसी लैंग्वेज दे देते हैं कि किसी का कोई रूल नहीं समझ लगता, पता नहीं लग रहा भाई बोलना क्या चाहते हैं. वो सिचुएशन होती है, भाई कहना क्या चाहते हो, राइट? तो घबराना नहीं है इन दैट केस. बीइंग प्रैक्टिकल, कभी भी रीऑर्डर पैराग्राफ में 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी. अगर मेरे को भी आप 15-20 रीऑर्डर करवाओगे, एक दो मेरे भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि कई रीऑर्डर्स की सेंस नहीं बनती. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको. ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे तो रीऑर्डर 200% सही होते हैं, आपके भी होने चाहिए. नहीं, इफ यू हैविंग अराउंड 70-75% एक्यूरेसी इन रीऑर्डर पैराग्राफ, यू आर गुड टू गो. ठीक है, सेकेंड रूल क्या है या सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपको सीधे तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा या पेयर्स नहीं बन रहे, तो आपको क्या करना है? आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं ढूंढना है, नेक्स्ट सेंटेंस नहीं ढूंढना है, आपको सिर्फ दो पेयर्स ढूंढने हैं. मतलब कि आपको दो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस ढूंढने हैं जो कि इकट्ठे जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पांच सेंटेंसेस दिए गए, कुछ मत देखो, डोंट सी कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सेकेंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा. आपने क्या एक सेंटेंस पकड़ना और देखना कि इसके साथ कौन सा सेंटेंस आएगा. व्हेन दिस बैंक वाज, लेट्स से मैंने ये पकड़ लिया, दिस वाज फाउंडेड, दिस बैंक है, मतलब इससे पिछले सेंटेंस में किसी एक बैंक का नाम आना चाहिए. कहाँ पे एक बैंक का नाम कहाँ है? ये रहा, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड. दिस बैंक, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब फाइव और वन एक पेयर है. फाइव पहले आएगा, वन इधर आएगा. इनको उठा के आपने इधर ले जाना है और यहां से कट जाएंगे. अपने दिमाग में पेयर नहीं बनाने, स्क्रीन पे बनाने. अगर दिमाग में बनाओगे तो स्क्रीन पे फिर भी ये सेंटेंसेस आपको कंफ्यूज करेंगे. फाइव और वन पेयर बन चुका है, एक नंबर अपना पक्का हो गया है, इसको छेड़ना नहीं, इसको हम इधर ले गए. आप रह गए तीन सेंटेंस, एक पेयर बना दिया है इजी, तीन सेंटेंस रह गए. तीन सेंटेंसेस में से 100% आप दो सेंटेंस इजीली फाइंड कर लोगे जो इकट्ठे जाएंगे. इन मोस्ट कंट्रीज इट इज ओनली द गवर्नमेंट थ्रू द सेंट्रल बैंक हु आर परमिटेड टू इश्यू करेंसी टू फेस ग्रोथ ऑफ ट्रेड. इट वॉज डीम्ड नेसेसरी टू रेमेडी दिस लैक. यहाँ पे कोई लैक नहीं है हमारे पास. बट इन स्कॉटलैंड थ्री बैंक, यहाँ पे है ओनली गवर्नमेंट बट इन स्कॉटलैंड, ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है. तो ये टू और फोर भी इकट्ठे जाएंगे. क्यों? ज्यादातर कंट्रीज में सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही अलाउड होता है करेंसी इशू करने के लिए, लेकिन स्कॉटलैंड में तीन है. टू और फोर को भी हम इधर ले जाएंगे. सेकेंड पेयर ये आइडेंटिफाई हो गया, एक सेंटेंस हमारे पास रह गया. यहाँ पे दो नंबर हो गए अपने पक्के. ठीक है, अब क्या करना है? अभी आपने क्या करना है? लेफ्ट ओवर सेंटेंस को नहीं देखना, पहले ये देखना है कि इन दोनों पेयर्स में से जर्नल इन्फॉर्मेशन कौन सी है. जो जर्नल इन्फॉर्मेशन होगी वो टॉप पे आ जाएगी, और जो
इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होगी वो बाद में आएगी। अब देखें, इन मोस्ट कंट्रीज ज्यादातर देशों की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर बैंक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तीन बैंक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैंक की बात कर रहे हैं। तो ये मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है और ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये आम इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भी स्कॉटलैंड में तीन बैंकों में नोट छपते हैं और यहाँ पे जो पहला बैंक नोट छापने वाला था वो बैंक ऑफ स्कॉटलैंड था। तो ये मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है। तो क्या होगा, टू और फोर वाला पेयर पहले आ जाएगा, फाइव और वन वाला बाद में आ जाएगा। अब जो लेफ्ट ओवर सेंटेंस है, क्योंकि ये तो पेयर बन चुके हैं, वो या तो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा या फिर वो मिडल में आएगा या फिर वो लास्ट में आएगा। फर्स्ट में कब आएगा, जब वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। फोर्थ के बाद कब आएगा, जब फोर्थ के बारे में थर्ड सेंटेंस ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और लास्ट में कब आएगा, जब ये सेंटेंस फर्स्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये नहीं हो सकता, इट वॉज डीम्ड नेसेसरी टू रेमेडी रेमेडी दिस लैक। रेमेडी दिस लैक मतलब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये जरूरी समझा गया था। ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। फोर्थ कौन सा है, बट इन स्कॉटलैंड थ्री बैंक्स आर स्टिल अलाउड टू इश्यू बैंक नोट्स टू फेस ग्रोथ ऑफ ट्रेड, इट वॉज डीम्ड नेसेसरी टू रेमेडी दिस लैक। दिस लैक मीन्स यहाँ पे कुछ नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही एंड में ही जाएगा। अगर एक गलत भी डाल देते हो तो दो नंबर पक्के हैं, और सही डाला तो चार नंबर पक्के हैं। अगर आप यहाँ पे थर्ड के वन और थर्ड का रिलेशन देखो, व्हेन दिस बैंक वाज फाउंडेड इन 1695 स्कॉट्स कॉइनेज वाज इन शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई चल रही थी, अनसर्टेन वैल्यू चल रही थी, कुछ नेगेटिव चल रहा है, और इसीलिए ये निसेसरी माना गया था कि इसको ठीक करने के लिए ये लैक को इम्प्लीमेंट किया जाए। थ्री और वन इकट्ठे जाएंगे, थ्री आ जाएगा यहाँ पे और आपका रीऑर्डर पैराग्राफ हो जाएगा सॉल्व। दैट्स योर राइट आंसर। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। तो ये थे रीऑर्डर पैराग्राफ सॉल्व करने के कुछ इजी ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, रूल्स, सब के सब प्रूवन रूल्स है। एवरीडे 10 रीऑर्डर पैराग्राफ प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा मत करो, ज्यादा करोगे तो अपने आप को स्ट्रेस आउट करोगे। रीऑर्डर्स गलत होंगे, कई रीऑर्डर्स की सेंस नहीं बनेगी, स्ट्रेस आउट मत करना। एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, अगर आज 50% आ रही है, कल 70 आनी चाहिए, 65 आनी चाहिए, नेक्स्ट डे 70 आनी चाहिए, नेक्स्ट डे 75 आनी चाहिए। अगर आपकी रीऑर्डर पैराग्राफ में एक्यूरेसी 70-75% है, यू आर डूइंग गुड। इसके वीकली प्रिडिक्शन जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है वो जरूर करके जाना, अराउंड 80 होते हैं उसमें, 80-85 या फिर थोड़े कम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एवरी वीक, वो जरूर करके जाना। 10 रीऑर्डर एवरीडे प्रैक्टिस करना, और अगर गलत होते हैं तो दोबारा सॉल्व करना, स्ट्रेस आउट मत करना। इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड करो, फिर नेक्स्ट सेंटेंस गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस सेंटेंस, यूज करके इम्प्लीमेंट करो। वो नहीं होता, पांच सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक पेयर बनाओ, दूसरी साइड ले जाओ, तीन सेंटेंसेस रह जाएंगे, दूसरी साइड लेके जरूर जाना, तीन सेंटेंसेस रह जाएंगे उसमें से एक बार पेयर बनाओ, अगली साइड लेके जाओ। लेफ्ट ओवर सेंटेंस फर्स्ट में आएगा अगर वो इंडिपेंडेंट है, बीच में आएगा अगर वो सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड में आएगा अगर वो फोर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये रूल्स यूज करना, बहुत मुश्किल रीऑर्डर पैराग्राफ आ रहा है, पेयर बना के आगे जाना, 2.5 मिनट से ज्यादा मत लेना। 10 एवरीडे प्रैक्टिस करना, 100% आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू थिंक द वीडियो वाज हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि आपके साथ उनका स्कोर भी आ सके। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया किसी भी सिटी में, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं, यू कैन विजिट वन ऑफ आवर ब्रांचेस और कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर ऑनलाइन क्लासेस और एनी हेल्प यू नीड। प्रैक्टिस करने के लिए, फ्री प्रैक्टिस करने के लिए आप languageacademy.com.au पे जाओ। ऐप जल्दी आने वाली है, अभी मोबाइल पे नहीं चलेगी वेबसाइट, बट प्रॉपरली अगर आप ये वीडियो बाद 6 महीने बाद देख रहे हो तो आप अपने ऐप स्टोर में ऐप भी देख सकते हो। प्लस अभी प्रैक्टिस करने के लिए आप languageacademy.com.au पे जा सकते हो। अपना कंप्यूटर यूज करो, गूगल क्रोम यूज करो, एवरीथिंग इज फ्री टू प्रैक्टिस। आपको स्कोरिंग भी मिलेगी, एक फुल स्कोर्ड मॉक टेस्ट भी मिलेगा जिसमें स्कोर कार्ड एनालिसिस, ट्यूटर फीडबैक, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू थिंक द वीडियो वॉज हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगर बताओगे दैट विल हेल्प मी, गिव माई 100% टू हेल्प यू आउट। एक ही एम है, सारे बच्चों का टाइम बचाऊं, पैसे बचाऊं और जितनी जल्दी हो सकता है स्कोर लेके आऊं। अगर स्कोर भी आता है तो मुझे जरूर बताना, दैट इज समथिंग आई वर्क फॉर एंड दैट इज समथिंग विच विल कीप मी गोइंग ऑन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत टाइम ले लिया, वर्न फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। ध्यान रखना, अगर मैंने 90 लिया है ना 7-8 बार, आप भी 90 ले सकते हैं। प्रैक्टिस सही से करना। आई विल सी यू वेरी सून।